हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं स्क्रीन पर शो हो गया है बच्चों ये क्वेश्चन सी बी एस और सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के बोर्ड में आ सकता है बच्चों बहुत अच्छे से इसको हमें समझना है सो so, बेटा क्वेश्चन समझते हैं ए चार्ज क्यू इज कैप्ट इन द इनर कैविटी एंड ए चार्ज टू क्यू इज गिवन टू द इनर शेल ए चार्ज थ्री क्यू इज गिवन टू द आउटर मोस्ट शेल एज शॉन इन फिगर फाइन द चार्जेस एट द सर्फेस ए बी एंड सी बच्चों क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक फिगर भी गिवन है यहाँ पर दो शेल्स हैं होलो शेल्स जैसे कंडक्टिंग शेल्स हैं जैसे फुटबॉल होती है बच्चों जैसे मान लीजिए एक मेटल की फुटबॉल है उसके अंदर एक और फुटबॉल है इस तरीके से आप समझ लीजिए अगर आप शेल नहीं समझते हैं तो तो शेल के अंदर शेल है तो कह रहे हैं कि जो आउटर शेल है बाहर वाली शेल है उस पर हमने चार्ज दिया थ्री राइट स्टूडेंट्स और जो इनर शेल है उसको हमने चार्ज दिया बच्चों टू और इनर शेल की इनर कैविटी जो है जो इनर शेल के अंदर जो बच्चों स्पेस है उसमें हमने चार्ज रख दिया है क्यू सो स्टूडेंट्स अब हमें बताना है कि ए बी सी जो सरफेस है, so है वो इनर शेल का इनर सरफेस है और बी सरफेस है इनर शेल का आउटर सरफेस स्टूडेंट्स सी सरफेस है आउटर सेल का आउटर सरफेस सो यहां पर आप समझेंगे कि जब थ्री क्यू चार्ज दिया आउटर सेल को आउटर सेल को जब थ्री क्यू चार्ज दिया तो आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यानी चार्ज जब भी हम किसी मेटल स्फीयर को या शेल को देते हैं तो चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसी तरह जो हमारा यहाँ पर टू क्यू चार्ज है वो भी इनर शेल के आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेकिन जो क्यू यहाँ पर इनर कैविटी में रखा है जो क्यू यहाँ पर इनर कैविटी में रखा है इनर शेल की इस ये है प्लस क्यू स्टूडेंट्स तो प्लस क्यू इनर कैविटी में रखने से ए सरफेस जो है इनर सेल का इनर सरफेस वहां पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है अब जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा बच्चों कितना होगा जितना कि अंदर इक्वल पॉजिटिव रखा हुआ यानी माइनस क्यू यहां पर इंड्यूस हो जाएगा बच्चों राइट सो ए सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ बच्चों माइनस क्यू क्योंकि इनर कैविटी में प्लस क्यू रखा हुआ है तो उसके नियर फेस पर इनर शेल के इनर सरफेस पर जिसको हम ए बोल रहे हैं वहां पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट तो हमने ए का बता दिया है बच्चों अब बात करते हैं बी की अब क्योंकि इनर शेल के इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर अपियर हुआ है सो अपोजिट जो इसका आउटर सरफेस पे है वहां पर प्लस क्यू अपियर हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन यानी अंदर इंड्यूस हुआ है माइनस क्यू तो बाहर कितना रह गया बाहर रह गया प्लस क्यू यानी जितना अंदर इंड्यूस हुआ है नेगेटिव उतना ही बाहर पॉजिटिव होगा और बाहर ऑलरेडी पहले से प्लस टू क्यू है सो बी सर्फेस पर यानी इनर शेल के आउटर सर्फेस पर नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों टू क्यू प्लस क्यू यानी थ्री क्यू सो इनर सर्फेस पर हो गया बच्चों माइनस क्यू और आउटर सर्फेस पर हो गया है थ्री क्यू अब बात करते हैं बच्चों आउटर शेल के आउटर सर्फेस की अब देखिए इनर शेल के आउटर सरफेस पर नेट चार्ज कितना है 3q तो अगर यहाँ पर 2q और q यानी 3q चार्ज यहाँ पर है इनर शेल के आउटर सरफेस पर तो आउटर शेल के इनर सरफेस पर इक्वल और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यानी कितना बच्चों -3q तो अगर यहाँ पर यह भी पूछा जाता कि बच्चों आउटर शेल के इनर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा सो कितना होगा बच्चों -3q अब क्योंकि आउटर शेल के इनर सरफेस पर माइनस थ्री क्यू इंड्यूज़ हुआ है तो सेम आउटर सरफेस पर प्लस थ्री क्यू भी इंड्यूस हो जाएगा और थ्री क्यू बच्चों पहले से है प्लस थ्री क्यू सो स्टूडेंट्स नेट कितना हो गया है थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू यानी कितना हो जाएगा सिक्स क्यू सो इस तरीके से हमने समझा कि ए सरफेस पर होगा माइनस क्यू चार्ज बी सरफेस पर होगा थ्री क्यू और आउटर शेल के आउटर सरफेस यानी सी सरफेस पर होगा सिक्स क्यू सो so स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सो so बच्चों आप यहाँ पर जो प्ले है इस प्ले में सभी न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब पर सर्च बॉक्स में जाइए पी पी फिजिक्स डालिए हमारे चैनल पर जाइए और इस प्ले में जाइए फिजिक्स ट्वेल्थ न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आप जरूर बोर्ड में अपियर होने से पहले इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स